बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। अब जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, इसमें आपके माइलॉइड बोन मैरो सेल्स मेच्योर नहीं होते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपके हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और स्पेसिफिक टाइप के माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। इसमें आपके जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनके लेवल लो हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली आपके माइलॉइड सेल लाइन से ही ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, RBCs कम हो जाने की वजह से न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, लो न्यूट्रोफिल काउंट हो जाता है और साथ थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाता है, प्लेटलेट का काउंट भी लो हो जाता है। ये मोर कॉमन होते हैं 60 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर, और वो पेशेंट जिनका पहले से या तो कीमोथेरेपी हुई है या फिर इनकी रेडियोथेरेपी हुई है, और इनके अंदर ट्रांसफॉर्म होने का एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर चांस होता है कि इन पेशेंट्स के अंदर जिनको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है उनको AML या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया डेवलप हो सकता है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और जब आप फुल ब्लड काउंट कराते हो तो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होती है। पेशेंट एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें एनीमिया की वजह से उसको फिटीग हो सकती है, पैलर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, न्यूट्रोपीनिया की वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकती है, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर परपरा या फिर ब्लीडिंग उसको हो सकती है। डायग्नोसिस में हम उसका फुल ब्लड काउंट कराते हैं, जो कि हमें एबनॉर्मल मिलता है। उसमें उसके न्यूट्रोफिल काउंट भी कम होगा, उसके RBCs भी कम होंगे और साथ उसका थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स भी कम होंगे, और हमें ब्लड फिल्म के ऊपर ब्लास्ट सेल्स नज़र आते हैं। लेकिन डायग्नोसिस को कंफर्म हम करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन से या बायोप्सी से। मैनेजमेंट में डिपेंड करती है उसके सिम्टम्स के ऊपर और रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन के ऊपर। ओवरऑल प्रोग्नोसिस जो है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, आपने एक तो सबसे पहले वॉचफुल वेट करना होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं अगर तो बहुत ज़्यादा सिवियर एनीमिया डेवलप हो गया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज हम कर देंगे, कीमोथेरेपी कर सकते हैं अगर तो AML में चेंज हो जाता है, और स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं।